दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजूरा में, जो पढ़ा रहा है पॉलिनोमियल्स का फोर्थ वीडियो। तो फोर्थ वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पूरे डिटेल्स में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो मुझे किसके किसके बीच में रिलेशन मेंटेन करना है, जीरोस के साथ साथ एज वेल एज कोएफिशिएंट के साथ साथ। तो मैंने इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 3 में, मैंने इसके बारे में पूरा कंसेप्ट जो है ना पूरे डिटेल्स में पढ़ाया था। जिसने जिसने वो वीडियो देखा नहीं है तो वीडियो नंबर 3 जो है आप टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना है, ताकि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 पूरे आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो मैं एक बार फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था सर, पी ऑफ एक्स था। तो पी ऑफ एक्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ए क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2। ये बी क्या हो गया सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या हो गया अपना, कांस्टेंट। तो मुझे इसके जीरोज अभी पता नहीं, तो अननोन जीरो, तो मैंने क्या लिया, अल्फा एंड बीटा दोनों को क्या किया, मैंने जीरोज कंसीडर किया। दिस इज अवर अल्फा इज 1 0, बीटा इज अवर सेकंड 0। तो इनके बीच में रिलेशन क्या बोलता था सर, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ द जीरोज। इसको क्या बोलते थे सर अपन, सम ऑफ जीरोज। किस क्या बोलते थे सर इसको, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या आता था सर, माइनस बी बाय ए आता था क्या, नहीं आता था। इसका मैंने डेरिवेशन करके दिया। बाद में मुझे क्या लिखता था, मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। बाद में क्या लिखता था सर, मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या लिखता था सर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आता था सर, अल्फा इंटू बीटा। दिस इज अवर जीरोज आर नॉट, अल्फा एंड बीटा क्या है अपने, जीरोज है। तो प्रोडक्ट करने के बाद क्या आता था सर, मेरा सी बाय ए आता था। व्हाट इज दिस, बी इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2, और सी क्या है सर अपना, कांस्टेंट। दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। तो ये क्या था सर, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में रिलेशन करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे इसके क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है और वेरीफाई करना है, जो रिलेशन है मुझे क्या करना है, तो वेरीफाई करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, मैं क्या करता हूँ सॉल्व करके बताता हूँ। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, दिस इज अवर पॉलिनोमियल्स क्या दिया है। तो इसका वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नहीं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले तो क्या निकालना है, इसके जीरोज निकालना है। तो मुझे इसका जीरोज निकालने के लिए मेरे पास प्रोसेस क्या है, लेट्स कंसीडर p ऑफ x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, कंपेयर विद जीरो करना पड़ेगा। इस पॉलिनोमियल को कंपेयर विद जीरोज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो मैं p ऑफ x की जगह पे क्या डाल सकता हूँ अभी, x square माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं सर, जीरो लिख सकता हूँ। नाउ दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक क्या था, ये पॉलिनोमियल था। जब मैं इक्वेट विद जीरो किया तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तभी मुझे इक्वेशन को सॉल्व करने का मुझे तरीका पता है कि 8 के ऐसे फैक्टर गिराओ, 8 के ऐसे फैक्टर गिराओ जिसका सम कितना आना चाहिए, माइनस 2। तो ये माइनस 8 है यहाँ पे, तो माइनस देना पड़ेगा। तो माइनस 8 के ऐसे फैक्टर गिराओ जिसका सम कितना आना चाहिए, माइनस 2। तो मैं क्या करता हूँ, 4 × 2 = 8 हो जाता है। तो लेकिन माइनस साइन यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। और इसका सम करूँगा तो माइनस 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2। इसका मतलब माइनस 4 और प्लस 2 क्या हो गए, मेरे फैक्टर हो गए। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर पहला फैक्टर क्या है, 4x, दूसरा क्या है, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं सर, जीरो कर सकता हूँ। तो अभी देखते हैं, इसको भी सॉल्व करने का मुझे तरीका पता है। इसको और इसको क्या करता हूँ, कपल बना देता हूँ। इसमें से क्या कॉमन निकालता हूँ, x कॉमन निकाल दिया। तो मेरे से बचता क्या सर, यहाँ पे x माइनस 4 बचता है। सिमिलरली यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्लस 2 कॉमन निकालता हूँ। तो प्लस 2 कॉमन निकालने में के बाद यहाँ पे क्या बचता है, x, और इसमें से 2 बाहर निकल गया तो 4 बचता है, दैट इज इक्वल टू 0। तभी दोनों ये सारे टर्म को मैं कंसिडर करूंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, x माइनस 4 बाहर निकाल सकता हूँ। तो बाद में इधर क्या बचता, x प्लस 2 बचता, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो मुझे इसको जीरो निकालने का तरीका आ गया आसपास। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और
एक्स प्लस टू इजिकल टू क्या कर सकता हूँ मैं, जीरो, ये दोनों को इजिकल टू जीरो, दिस इज इजिकल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा सर, एक्स इजिकल टू फोर, ये इधर चला गया तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस, और दूसरा क्या है, एक्स इजिकल टू माइनस टू, दीज आर द जीरोज, अपने क्या है, ये जीरोज है, तो इसका मतलब पहला जीरोज क्या है, फोर है, और दूसरा जीरोज क्या है, माइनस टू है, तो मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, इसके कोएफिशिएंट के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो मुझे इसके जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है, मुझे पता है, दैट इज अवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, व्हाट इज दिस, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर टू, बी इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज व्हाट कॉन्स्टेंट, तो मैं इसके और इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे इसमें से ए की वैल्यू कितनी मिलेगी सर, मुझे वन मिलेंगी, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं, इसका मतलब क्या रहेगा, वन रहेगा, और बी की वैल्यू कितनी मिलेंगी मुझे, बी की वैल्यू कितनी मिलेंगी, इसके सामने कितना टर्म है, टू है, तो लेकिन किसके साथ है, माइनस के साथ है, तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, माइनस टू, और सी की वैल्यू कितनी मिलेंगी मुझे सर, ये सी की वैल्यू कितनी है, माइनस एट है, तो मैं क्या कर देता हूँ, माइनस एट कर देता हूँ, लेकिन मुझे जीरोज पता है, जीरोज क्या है, माइनस फोर और माइनस फोर, सॉरी प्लस फोर और माइनस टू, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ सर, अल्फा कंसीडर करता हूँ, और इसको क्या कर सकता हूँ सर, बीटा कंसीडर करता हूँ, तो मुझे अभी पता चला अल्फा क्या है और बीटा क्या है, अल्फा इजिकल टू कितना लूँ मैं सर, फोर लेता हूँ, और बीटा इजिकल टू क्या लेता हूँ सर, माइनस टू लेता हूँ, तो मुझे रिलेशन बिटवीन क्या करना है, रिलेशन जो मैंने तो अभी तो जीरो निकाल लिया, मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेशन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द एंड कोएफिशिएंट, तो ये क्या होगी मेरे अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज, और ए बी एंड सी क्या है अपने कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो मुझे पहला पता है, पहला क्या बोलता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द जीरोज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो मैं इधर नीचे में लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू क्या है अपना रूल, माइनस बी बाय ए है क्या नहीं, तो मैंने इसको मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, फोर है, तो मैं फोर डालता हूँ, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है, तो मैंने माइनस टू डाल दिया, इज इक्वल टू, माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे है, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है, तो यहाँ पे क्या देता हूँ, माइनस टू डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है, वन है, तो देखते हैं माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल आता है क्या, चार, फोर माइनस टू कितना होता है सर, टू, दैट इज इक्वल टू टू, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस टू, ए भी क्या है सर, प्लस है, दोनों साइड इक्वल आया, इसका मतलब अपन ने वेरीफाई कर दिए सर, तो ये तो सम वेरीफाई कर दिया, उसके साथ साथ मुझे क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मुझे क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट यानी क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो जीरोज क्या है अपने, अल्फा इंटू बीटा, इसका रूल क्या है, अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो दैट इज इक्वल टू सी बाय ए है क्या नहीं, इसके पहले की वीडियो में अपन ने प्रूव किए थे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है सर, सी बाय ए, तो सी बाय ए की वैल्यू प्रूव करना है, दोनों साइड मुझे क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, फोर है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है, तो मैं ब्रैकेट के साथ माइनस टू लिखता हूँ, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस एट है, तो मैं माइनस एट दे देता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, वन है, तो मैं वन डालता हूँ, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर इंटू टू कितना होता है, माइनस एट, दैट इज इक्वल टू, इधर भी क्या आ जाएगा सर, माइनस एट, तो अपन ये भी क्या कर दिया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर दिया सर, तो ये हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है सर अपना, ये पॉलिनोमियल क्या है, एक्स के फॉर्म में है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरोस कंपेयर के साथ इक्वेट विद जीरोस, तो जीरोस के साथ इक्वेट करूंगा तो मैं जीरो के साथ इक्वेट करूंगा तो मुझे इससे क्या मिलते हैं, जीरोस मिलते हैं, तो पहला जीरोस को मैंने क्या कंसिडर किया, अल्फा, दूसरे जीरोस को क्या कंसिडर किया मैंने, बीटा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करने के बाद क्या करूंगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालूंगा, तो इसमें से ए की वैल्यू कितनी है, वन है, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस एट है, तो अल्फा बीटा मिला, ए बी सी भी मिला, तो पहला रूल क्या है अपना, सम ऑफ द जीरोज, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ द जीरोज क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, तो ये अपन ने वेरीफाई किया, इधर भी टू आया, इधर भी टू आया,
सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी बाय ए आता है, तो अल्फा की वैल्यू मुझे पता है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, दोनों का प्रोडक्ट किया इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है सर अपने पास -8 है डिवाइडेड बाय क्या है 1 है, तो इसको भी मैंने दोनों साइड इक्वल वेरीफाई कर दिया, हेंस अपन का आंसर क्या है एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, सेकेंड क्या बोलता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 4s² - 4s + 1, तो इसका मतलब अपना वेरिएबल क्या है सर यस है, तो अपने को किसके साथ कंपेयर पॉलिनोमियल कैसा लिखना पड़ेगा, वेरिएबल यहाँ पे अभी तक x था तो अभी क्या लिखता हूँ मैं सर s लिखता हूँ क्योंकि अपना वेरिएबल अभी चेंज हो गया, तो p ऑफ s कितना है सर 4s² - 4s + 1 है, तो इसके मुझे क्या निकालना है जीरोज निकालना है, जीरोज निकालने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और सम ऑफ द जीरोज के साथ। तो मैं पहला क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसके जीरोज निकालता हूँ, तो मुझे जीरोज निकालने के लिए प्रोसेस क्या है मेरे पास, पी ऑफ एस इज इक्वल टू किसके साथ कंपेयर करना है जीरो के साथ कंपेयर करना है, तो जब मैं जीरो के साथ कंपेयर करूँगा तो इसके क्या मिलेंगे मुझे जीरोज मिलेंगे, तो मैं पी ऑफ एस कितना है सर अपना 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू क्या है अभी जीरो है। नाउ दिस बिकम्स इक्वेशन, अभी तक क्या था ये पॉलिनोमियल था, अभी ये क्या हो गया इक्वेशन हो गया क्योंकि मैंने इसके किसके साथ इक्वेट किया जीरो के साथ इक्वेट किया, तो अभी मुझे क्या निकालना है जीरोज निकालना है, तो मैं इसका क्या करूँ मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, 4 × 1 कितना होता है सर 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 4, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर भी मुझे क्या चाहिए प्लस ही चाहिए, तो मुझे 4 के ऐसे फैक्टर गिराना है, तो 4 के ऐसे फैक्टर गिराना है ताकि उसका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए एडिशन कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए, तो मेरे पास वैसे फैक्टर कौन से हैं -2 × -2, इनका प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आता है सर 4 आता है, और इनका सम करूंगा तो कितना आता है सर -4 आता है, क्या कहता है इसका -4 आता है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए सर 4s² - 2s - 2s + 1 दैट इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं 0, तो इसमें से ये दोनों को कंसिडर करता हूँ, ये चीज़ दोनों को कंसिडर करता हूँ, तो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ 2s को कॉमन निकालता हूँ सर, तो 2s को कॉमन निकालूंगा तो बचता क्या है सर 2s - 1 बचता है, तो सिमिलरली इधर में से क्या करता हूँ -1 को बाहर निकालता हो तो इसमें से क्या बचता है 2s - 1, क्योंकि इधर माइनस बाहर निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन चेंज हो जाएगा तो इधर माइनस आ जाएगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, तो अभी ये सारे टर्म को कंसिडर करूंगा तो मैं क्या करता हूँ 2s - 1 और एक बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या बचता 2s बचता और इधर से क्या बचता -1 बचता दैट इज इक्वल टू क्या है सर अपना 0 है, तो मैं दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू क्या करता हूँ 0, तो इसमें से क्या हो जाएगा 2s = 1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 2s = भी क्या हो जाएगा वही 1 हो जाएगा, तो इसमें से क्या हो गया 2s = 1 हो गया, तो अभी मुझे क्या चाहिए इसमें से s चाहिए तो s = कितना होता है सर 1/2 और s = क्या होता है सर 1/2, इसका मतलब मुझे 2s मिले, तो ये क्या हो गया अपना पहला वाला अल्फा दूसरा वाला क्या हो गया बीटा, तो इसका मतलब मुझे अल्फा भी मिला अल्फा इज इक्वल टू कितना है 1/2 और बीटा इज इक्वल टू कितना है वो भी क्या है 1/2, दोनों भी जीरोस क्या है अपने सेम है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस क्या मिले अपने 1/2 और दूसरा भी कितना है 1/2, मुझे अभी क्या मिला अल्फा और तो बीटा तो मिल गया, तो लेकिन मुझे ए की वैल्यू मिलाना है बी की वैल्यू मिलना है सी की भी वैल्यू मिलना है, तो मैं एक पॉलिनोमियल को किसके साथ कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल अभी वेरिएबल चेंज हो जाएगा a² + b + c, इसके साथ ये कंपेयर करूँगा तो ए की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे 4 मिलती है और b की वैल्यू कितनी मिलती है सर मुझे -4 मिलती है और c की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे 1 मिलती है, अभी मुझे इससे क्या मिला a की वैल्यू मिली b की वैल्यू मिली c की भी वैल्यू मिली और अल्फा की वैल्यू मिली बीटा की वैल्यू मिली, तो अभी मुझे क्या करना है कोएफिशिएंट और जीरोज के साथ क्या करना है रिलेशन मेंटेन करना है, ये आप वेरीफाई भी करना है रिलेशन, तो मैं क्या करता हूँ पहला लिखता हूँ प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ द जीरोज क्या बोलता है सम ऑफ द जीरोज, मुझे क्या करना है सम ऑफ द जीरोज के साथ कंपेयर करना है, तो सम ऑफ द जीरोज क्या है अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू क्या है अपना रूल, माइनस बी बाय ए करना है। तो इसको मैं वेरीफाई करता हूँ सर, तो अल्फा कितना है सर 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस बीटा कितना है सर, दिस इज ऑल्सो 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी कितनी है, बी कितना है सर माइनस 4 है, लेकिन ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस है तो मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है सर 4 है, तो यहाँ पे भी कितना है 4 डाल देता हूँ। दैट इज इक्वल टू, इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 2+2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे करने से अच्छा बेटर है क्या, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, 1+1 कितना हो जाता है सर 2 हो जाता है, दैट इज इक्वल टू ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता है प्लस डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया 1 1/1, दिस इज ऑल्सो 1/1, तो हैंस अपना क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो सम तो वेरीफाई हो गया, उसके साथ साथ मुझे क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट भी वेरीफाई करना है। तो मैंने तो सम तो वेरीफाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1/1 और ये भी क्या है 1/1, तो इसको मैंने क्या किया वेरीफाई कर दिया सर। तभी तो सम तो हो गया, अभी मुझे क्या करना है सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का क्या रूल है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए, क्या है अपना सी बाय ए, तो अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या है सर 1/2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 1 और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 4, तो मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, तो इनका प्रोडक्ट करने के बाद कितना हो जाता है 1/4 इज इक्वल टू 1/4, तो अपन ने दोनों साइड क्या किए वेरीफाई कर दिया, देखो 1/4 इधर भी आया 1/4 भी इधर भी आया, तो अपन ने क्या किए हैंस कोएफिशिएंट एंड जीरोस क्या हो गए वेरीफाई हो गए सर, क्या हो गए वेरीफाई हो गए। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन। नंबर थर्ड देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, 6x² - 3 - 7x, तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 7x पहले चाहिए था, बाद में 3x चाहिए था, तो इसका मतलब ये लीनियर वाली जो टर्म है पहले चाहिए बाद में कांस्टेंट वाली टर्म चाहिए, तो मैं इसको अरेंजमेंट भी कर सकता हूँ क्या नहीं, तो मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, तो ये क्या लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स, तो वेरिएबल अपना पी ऑफ एक्स है, तो मैं क्या कर सकता हूँ पहले क्वाड्रेटिक वाली टर्म दैट इज स्क्वायर वाली टर्म, तो बाद में लीनियर वाली टर्म दैट इज 7x, तो बाद में ये माइनस 3 ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, तो अभी ऑर्डर बराबर आया कि नहीं, तो पॉलिनोमियल्स की कंडीशन क्या है दैट शुड बी ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिख लेता हूँ, तो अभी इसका क्या बनाना है मुझे जीरोस बनाना है, तो जीरोस बनाने के लिए मुझे क्या कंपेयर करना पड़ेगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ इक्वेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3 दैट इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं जीरो लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 6 तो ये 3 6 कितना होता है 3 × 6 तो ये 18 हो जाता है, 18 के ऐसे फैक्टर गिराओ 3 × 6 कितना 18 के ऐसे फैक्टर गिराओ जिसका सम कितना आना चाहिए -7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर माइनस साइन है तो मुझे भी यहाँ पे क्या देना पड़ेगा माइनस साइन देना पड़ेगा, तो ये -18 के ऐसे फैक्टर गिराओ का जिसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -18 आना चाहिए और सम कितना आना चाहिए -7 आना चाहिए, तो ये इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 × 2 कर सकता हूँ क्या नहीं मैं, तो इसका प्रोडक्ट करूँगा तो कितना आ जाता है सर 18 आ जाता है, तो 9 × 2 का प्रोडक्ट तो 18 आ जाता है लेकिन -18 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ माइनस साइन दे देता हूँ, तो -9 × +2 कितना हो जाता है सर -18 हो जाता है, प्रोडक्ट तो 18 मिला, तो मुझे क्या चाहिए -9 + 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाता सर -7, तो ये क्या होगा मेरे फैक्टर हो गए -9 और +2, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ सर 6x² - 9x + 2x - 3 दैट इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं 0, तो अभी इसमें से कॉमन निकालना है इसमें से भी कॉमन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ 3x कॉमन निकालता हूँ, तो 3x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचता 2x माइनस 3 बचता कि नहीं, तो और इधर से क्या कॉमन निकालता हूँ 1 कॉमन निकालता हूँ, तो ये क्या बचता 2x - 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो अभी देखते हैं ये दोनों टर्म्स क्या हो गए अभी सेम हो गए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2x - 3 एक ब्रैकेट में और ये क्या है 3x + 1 सेकेंड ब्रैकेट में दैट इज इक्वल टू 0, तो अभी दिस इज इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी वी सॉल्व लॉट ऑफ एग्जाम्पल लाइक दिस इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू क्या करूँ मैं 0 करूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x = 3 इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा और 3x = क्या लिख सकता हूँ मैं -1, तो ये x = क्या हो जाएगा सर 3/2 और
एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -1/3। तो अपने को क्या मिला यहाँ से सर, अल्फा मिला और ये क्या है अपना बीटा मिला। तो ये क्या है सर अपना अल्फा और ये क्या है अपना बीटा। यही तो मुझे जानकारी चाहिए थी सर, दिस इज व्हाट नथिंग बट द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल आर नॉट। तो मैंने इसमें से क्या निकाला सर, अल्फा इज इक्वल टू कितना आया 3/2 और बीटा इज इक्वल टू कितना आया सर अपना -1/3 मिला। अल्फा भी मिला और बीटा भी मिला। मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल के साथ क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल कैसा लिख सकता हूँ, एक्स वेरिएबल है तो एक्स लिखता हूँ और क्या लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें से ए क्या आता है देखो, इसके साथ कंपेयर करूंगा ए, तो ये वाला ए है तो इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और बी कितना आता है सर -7 आता है, और सी कितना आता है सर -3 आता है। तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, द सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, सम ऑफ जीरोज, क्या करूँ सर मैं, सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, -b/a। इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अभी देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, तो ये क्या हो गया -1/3 दैट इज इक्वल टू माइनस। तो बी की वैल्यू कितनी है -7 है, तो अंदर में क्या देता हूँ -7 देता हूँ। कभी भी याद रखने का, जब जब माइनस साइन आता है उसके सब ब्रैकेट दे देने का। डिवाइडेड बाय ए कितना है 6 है। तो अभी देखते हैं इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 -1/3 दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7 -(-+) डिवाइडेड बाय 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 3 जा कितना होता है सर 9, -2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय कितना करूँ मैं 3 2 जा 6 होता है दैट इज इक्वल टू 7/6 इधर राइट हैंड साइड का। तो ये माइनस करूँगा 9 में से 2 चले गए तो कितना बचता सर 7/6 इज इक्वल टू क्या आया सर अपना 7/6। तो अपन ने क्या किए, प्रोडक्ट क्या किए, वेरीफाई कर दिए सर, प्रोडक्ट तो वेरीफाई कर दिए, सॉरी सम तो वेरीफाई कर दिए, अभी मुझे क्या प्रोडक्ट भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सेकंड क्या है अपना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वेरीफाई करना है। तो जीरोज कौन से है अपने, अल्फा एंड बीटा। तो प्रोडक्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a करना है कि नहीं, तो c/a करूंगा तो c की वैल्यू कितनी है अपने को यहाँ से 3 -3 है और a की वैल्यू कितनी है 6 है। तो इसको क्या करूँ, अल्फा की वैल्यू कितनी है अपनी 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 दैट इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 6 है। तो अभी देखते हैं इक्वल साइन आता है क्या, तो ये 3 1 -3 और ये 3 2 6 होता है दैट इज इक्वल टू -3/6। तो ये देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी क्या आए सर सेम आए। तो अपन ने प्रोडक्ट भी क्या कर दिए है, वेरीफाई कर दिए, हैंस वी वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं, इसमें ही क्वेश्चन नंबर 4th क्या बोलता है, 4u² + 8u। तो इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्क्वायर की टर्म है और लीनियर की भी टर्म है, लेकिन कांस्टेंट की टर्म है क्या, नहीं है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कांस्टेंट की टर्म उसको क्या कंसीडर कर सकता हूँ, जीरो कंसीडर कर सकता हूँ। तो अपना पॉलीनोमियल क्या लिख सकता हूँ, पी ऑफ अभी यू एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा क्योंकि अपने वेरिएबल क्या है सर यू है, दैट इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 4u² + 8u। प्लस क्या करूँ सर मैं, कांस्टेंट की टर्म जीरो कंसीडर करता, तो ये कांस्टेंट की टर्म्स कितनी आ जाएंगी अपनी, जीरो आ जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की टर्म कुछ नहीं, तो मैं क्या लेता हूँ जीरो कंसीडर करता हूँ। तो इसमें से मुझे क्या निकालना है, पहले तो जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ यू इज इक्वल टू क्या करूँ मैं, जीरो के साथ कंपेयर करूँ। तो ये क्या है 4u² + 8u + क्या करूँ मैं जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तभी क्या कर सकता हूँ मैं, जीरो को इधर लेके जाऊँगा तो जीरो हो जाएगा, तो अदरवाइज इसमें से कॉमन भी निकाल सकता हूँ। तो कॉमन क्या निकालूँ जो सर 4u² + 8u = 0 को इधर लेके जाऊँगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन निकालूँ, 4u क्या करता हूँ कॉमन निकालता हूँ। तो बचता क्या सर, ये 4u इधर चलेगा तो ये क्या बचता, u बचता, प्लस इसमें से 4 चला गया तो ये 2 बचता, u तो बाहर चले गया, तो ये इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 4u = 0 एंड
यू प्लस टू इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं, जीरो कर सकता हूँ। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो बाय फोर, और यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, माइनस टू। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो बाय फोर यानी क्या होता है सर, जीरो होता है, और u इज इक्वल टू क्या होता है सर, माइनस टू। इसका मतलब मेरा पहला जीरो कितना है, जीरो है, और दूसरा जीरो कितना है, माइनस टू है। तो इसको मैं क्या कंसिडर करता हूँ, अल्फा, और इसको क्या कंसिडर करता हूँ सर, बीटा। तो अभी मुझे मिला अल्फा और तो बीटा की वैल्यू मिल गई। अल्फा की वैल्यू कितनी है, जीरो, और बीटा की वैल्यू कितनी है सर, माइनस टू है। बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू। अभी मुझे कोएफिशिएंट भी पता होना चाहिए, तो इसको किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, पी ऑफ यू इज इक्वल टू, अभी वेरिएबल क्या है अपना सर, यू है, तो मैं क्या लिखूँ सर, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस क्या कर सकता हूँ सी। अभी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको किसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। तो ये टर्म और ए टर्म चेक करूँगा तो कोएफिशिएंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, फोर आ जाएगा, और बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, एट आ जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं है इसलिए ये c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मुझे मिला a b c, a क्या है अपना कोएफिशिएंट, b भी क्या है कोएफिशिएंट, c भी क्या है अपना कोएफिशिएंट। तो मुझे पहले क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू अपना रूल क्या है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए करूँगा तो अल्फा कितना है सर, जीरो, प्लस बीटा कितना है सर, माइनस टू, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ सर, सर माइनस सॉरी एट है, एट डिवाइडेड बाय, ए की वैल्यू कितनी है, फोर है। अब इसको सॉल्व करूँगा तो जीरो में से माइनस टू है तो माइनस टू ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस एट बाय फोर। तो ये फोर वन जा फोर टू जा, तो ये माइनस टू इज इक्वल टू क्या है सर, माइनस टू। अपन ने हैंस प्रोडक्ट क्या कर दिया, सॉरी सम क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ये अपन ने क्या कर दिया, सम तो वेरीफाई कर दिया, अभी मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को भी वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को भी वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या बोलता है सर अपना, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए करना है। तो सी बाय ए क्या कर रहेगा, अल्फा कितना है, जीरो है, और बीटा कितना है सर, माइनस टू है, दैट इज इक्वल टू सी कितना है अपना, जीरो है, डिवाइडेड बाय ए कितना है अपना, फोर है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फोर। तो ये जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है सर, माइनस टू इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो बाय फोर क्या होता है सर, जीरो। तो ये भी टर्म क्या हो गया, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड जीरो। तो हेंस अपन ने क्या कर दिए है, वेरीफाई कर दिए सर। नंबर फिफ्थ देखते, क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ क्या बोलता है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म है, तो लीनियर वाली टर्म है क्या, नहीं दिख रही। तो मैं ये पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकता हूँ, पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, लीनियर वाली टर्म है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करते देता हूँ, प्लस जीरो टी लिख सकता हूँ क्या, नहीं, तो क्योंकि जीरो इंटू टी क्या हो जाता, फाइनली जीरो हो जाता। माइनस कितना लिखता हो सर, 15 लिखता हो, ये वाली टर्म यहाँ पे लीनियर वाली कांस्टेंट वाली टर्म ने एज इट इज़ लिख दी। तो अभी मुझे इसके साथ कंपेयर करूँगा तो मुझे इसका पहले क्या निकालना है, जीरोज़ निकालना है। तो जीरोज़ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। तो अपना पी ऑफ टी कितना है सर, टी स्क्वायर माइनस 15 दैट इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो मैं क्या करता हूँ सर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 को क्या करता हूँ, इधर लेके जाता हूँ। तो ये स्क्वायर है, यहाँ पे 15 है, तो मैं दोनों के तरफ क्या करता हूँ, रूट ऑन बोथ साइड करता हूँ। तो ये रूट ऑन बोथ साइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट टी क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट और टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 15 आ जाएगा सर, क्योंकि स्क्वायर रूट है क्या, कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ रूट 15, और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, माइनस ऑफ रूट 15। तो ये क्या हो गया सर अपना अल्फा, और ये क्या हो गया सर अपना बीटा हो गया। तो अल्फा कितना हो गया, प्लस ऑफ रूट 15, और बीटा कितना हो गया, माइनस ऑफ रूट 15। तभी देखते हैं, तो मुझे मिला अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, प्लस ऑफ रूट 15, और बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ सर मैं, माइनस ऑफ रूट 15। सिमिलरली इसमें से मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, पी ऑफ टी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा अभी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस क्या करूँ मैं, सी करता हूँ।
तो ये वाले पॉलिनोमियल और ये वाले पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ दोनों को। आपस में कंपेयर करूँगा तो ये टर्म्स और स्क्वायर वाली टर्म के साथ स्क्वायर वाली टर्म क्या कंपेयर करूँगा, तो इसमें से क्या मिलेगा मुझे, ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये देखो यहाँ पे देखो लीनियर वाली टर्म, और सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -15 मिलेगा। तो ये तो मुझे ए बी सी मिला, अल्फा और बीटा भी मिला। तो मुझे क्या वेरीफाई करना है, पहले सम ऑफ द जीरोज, पहले तो क्या करना है, सम ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो दैट इज अवर सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, -b/a। आपको याद कर देना है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, √15, दैट इज 15, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -√15, दैट इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, 0 डिवाइडेड बाय, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तभी इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो +√15 -√15 कितना हो जाता है, 0, दैट इज इक्वल टू 0 बाय एनीथिंग क्या हो जाता है सर, 0। तो अपन ने क्या किया, सम वेरीफाई कर दिए। तो इसका मतलब सम तो वेरीफाई हो गया, उसके साथ साथ मुझे अभी क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या बोलता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है सर, c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ सर, 15 √15। तो मैं यहाँ पे +√15 इंटू -√15, इसकी वैल्यू कितनी है, -√15, दोनों का प्लस, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, -15 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे लगा देता हूँ 1। तो दोनों का मैं प्रोडक्ट करूँगा, √15 × √15 कितना होता है, 15 होता है, क्योंकि √√ कैंसिल हो जाता है, और ये एक्चुअली ऐसा हो जाता है ये स्क्वायर। तो ये माइनस साइन बाहर करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर, 15, सॉरी √15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 15, दैट इज इक्वल टू इधर भी कितना है सर, -15। तो ये दोनों साइड क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब अपन ने प्रोडक्ट भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया सर। नंबर 1 का 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 3x² - x - 4। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाली टर्म भी है, लीनियर वाली भी टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट भी है, इसका मतलब ये बराबर है पॉलिनोमियल्स, इसका वेरिएबल क्या है, x है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, 3x² - x - 4। तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया। तो ये पॉलिनोमियल से मुझे क्या पहले निकालना है, जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करता हूँ, 0 के साथ इक्वेट करता हूँ। तो 0 के साथ इक्वेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x² - x - 4, दैट इज इक्वल टू क्या करता हूँ, 0 करता हूँ। तो अभी इसके मुझे ऐसे फैक्टर गिराना है, पहले तो मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ये 3 × क्या करना पड़ेगा, -4, दैट इज इक्वल टू -12। 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है, दैट बट माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन दे देता हूँ। तो -12 के ऐसे फैक्टर गिराना है जिसका सम कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा फैक्टर। तो यहाँ पे माइनस चाहिए तो मैं इसको माइनस दे देता हूँ, और इसको क्या दे देता हूँ, प्लस दे देता हूँ। प्रोडक्ट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, -12, और ये -4 + 3 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा सर, -1। तो मुझे क्या चाहिए सर, -1 ही चाहिए ना। तो अपने फैक्टर क्या हो गए, -4, और ये क्या है, +3। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, 3x² पहला फैक्टर क्या है, -4x, दूसरा फैक्टर क्या है, +3x -4, दैट इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं सर, 0 करता हूँ। तब ये दोनों को कंपेयर करता हूँ, ये दोनों को कंपेयर करता हूँ, ये दोनों के साथ क्या करता हूँ, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, x कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 निकालूंगा तो 4, इधर भी 3 नहीं है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या है, x है। तो यहाँ से बचता क्या, 3x - 4 बचता, प्लस इसमें से कुछ कॉमन निकलता क्या, नहीं निकलता, तो मैं 1 कॉमन निकलता हूँ, तो बचता क्या सर, 3x - 4, दैट इज इक्वल टू 0। तभी ये दोनों को कंपेयर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 4 इसमें से और इसमें से कॉमन निकलता हूँ, बचता क्या, x + 1 बचता, दैट इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, 0। तो ये दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 4 = 0, और x + 1 इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, 0 करता हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, 4/3, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो
तो ये क्या हो गया सर 4/3, और x इज इक्वल टू माइनस वन क्या हो गया अपने अल्फा एंड बीटा, दैट इज नथिंग बट द जीरो। तो इसको क्या करता हूँ मैं अल्फा, और इसको क्या करता हूँ मैं कंसिडर बीटा कंसिडर करता हूँ। तो ये अल्फा मिल गया मुझे, यहाँ पे बीटा भी मिल गया। तो अभी मुझे अल्फा इज इक्वल टू कितना है सर माइनस फोर, सॉरी 4/3, और बीटा इज इक्वल टू कितना है सर माइनस वन। तो ये मिला अल्फा और बीटा। तो मुझे ए बी सी भी ढूंढना है। तो मुझे ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं क्या करता हूँ इसको कंपेयर करने के बाद ए बी और सी की वैल्यू निकालता हूँ। तो ए टर्म्स और ए टर्म्स कंपेयर करूँगा तो इसमें से ए कितना आ गया 3, और ए टर्म्स और ए टर्म कंपेयर करूँगा तो इसमें से बी कितना आ जाएगा माइनस वन, और सी कितना आ जाएगा सर इज इक्वल टू माइनस फोर आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे भी माइनस साइन है। तो मुझे वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट वेरीफिकेशन क्या बोलता है, सम ऑफ द जीरोज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या है अल्फा प्लस बीटा, सम किया मैंने दोनों जीरोज का, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए माइनस बी बाय ए आना चाहिए। बी और ए क्या है अपने कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा कितना है सर प्लस 4/3, प्लस बीटा कितना है सर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू क्या है माइनस बी कितना है सर माइनस वन। तो मैं अंदर ब्रैकेट में दे देता हूँ। ए कितना है सर 3 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है तो यह माइनस दिया, 3 इंटू वन कितना होता है 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या हो गया सर 4 माइनस वन कितना होता है 1, सॉरी 4 माइनस 3 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये अपन ने दोनों भी एल एच एस और आर एच एस क्या किए, इक्वल बताए, तो अपन ने सम क्या कर दिए, वेरीफाई कर दिए सर। तो ये सम तो हो गया, अभी मुझे क्या करना है सेकेंड इसमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये प्रोडक्ट क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए मुझे सी बाय ए आना चाहिए। तो अल्फा कितना है अपना 4/3, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/3 इंटू बीटा कितना है सर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है माइनस फोर है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ माइनस फोर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 लिखता हूँ। तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4/3, दैट इज इक्वल टू माइनस 4/3, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो ये दोनों टर्म्स क्या आ गए, सेम आ गए, हेंस अपन ने प्रोडक्ट भी क्या कर दिए सर वेरीफाई कर दिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सम भी वेरीफाई कर दिया और प्रोडक्ट भी कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चंस अपने को और एक्स्ट्रा सॉल्व करके देखना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, थोड़ा इसका उल्टा क्वेश्चन है। तो मुझे क्या देखे रहेंगे, जीरोस देखे रहेंगे, और मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोलता है देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ द गिवन द नंबर्स एज अ सम एंड अ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपने को, 1/4 गिवन है, कॉमा देख के है 1 है। इसका मतलब ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है। अभी तक क्या होता था सर, मुझे पॉलिनोमियल देके रहता था पी ऑफ एक्स, दैट इज अवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें से क्या निकालता था सर, मैं अल्फा और बीटा निकालता था। कुछ ना कुछ एक मुझे अल्फा की वैल्यू मिलती थी, कुछ ना कुछ मुझे बीटा की वैल्यू मिलती थी। तो लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है वैसा। तो अभी उन्होंने क्या दिया है सर, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा कुछ ना कुछ दिया है, और अल्फा इंटू बीटा कुछ ना कुछ दिया है। तो मुझे क्या निकालना है सर, पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है इसमें से, ये तो दिया है दो चीज़, सम ऑफ द जीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आर गिवन। तो मुझे सम भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है, तो मुझे क्या निकालना है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो मुझे ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल निकालने के लिए मैंने प्रोसेस बताई थी एक। तो मुझे क्या पता था सर, पी ऑफ एक्स पता था, दैट इज अवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें से मुझे अल्फा एंड बीटास क्या मिलते थे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस करना है। तो रिवर्स प्रोसेस करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी ऐसा कर सकता हूँ क्या, नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, मैंने इसके पहले इसका डेरिवेशन भी करके दिया था, दैट इज अवर जनरल फॉर्म,
के इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंट प्लस बीटा एक ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस क्या लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद करना है, ताकि आपको आने वाले न्यूमरिकल्स जो है आपको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करके ये वाला पहला न्यूमरिकल सॉल्व करके बताता हूँ। तो पहले क्या दिया है, उन्होंने सम दिया है, बाद में क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है। तो ये 1/4 क्या है, सम, इसका मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अपना 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है सर, अपना -1 है। ये दो चीज़ें गिवन है, तो बाई यूजिंग दिस फार्मूला मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो मुझे ये फार्मूला में पुट करना है, तो मेरा फार्मूला क्या है, मुझे वेरिएबल क्या लेना है, x लेना है, तो मैं वेरिएबल x ले लेता हूँ। तो p ऑफ x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, k इंटू x टू द पावर टू माइनस साइन है तो मैं माइनस साइन दे देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या करता हूँ x, प्लस क्या करता हो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको ब्रैकेट को कंप्लीट कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं, इसको मैं पुट करता हूँ वैल्यूज। तो k एज इट इज़, एक्स टू द पावर टू एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है सर, 1/4, तो मैं यहाँ पे 1/4 डालता हूँ, इंटू क्या है x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है सर, -1 है, तो यहाँ पे क्या डालता हूँ, -1, ब्रैकेट को मैं क्या कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। अभी और सॉल्व करेंगे तो इसको अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 ऐसे आ जाएगा कि नहीं, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अपने को पीछे में आंसर यही दिया है सर। तो ये क्या हो गया अपना, के इंटू एक्स टू द पावर टू 1/4x माइनस 1। यही फॉर्मूले में डाल के अपन सारे आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे याद क्या करना है, के एक्स टू द पावर टू माइनस प्लस और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही क्या हो गया अपना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज पता रहेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता रहेंगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तो मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन है। इसका मतलब पहला क्या है, सम है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये सम ऑफ द जीरोज, मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ द जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू कितना है सर, √2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है सर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। तो मुझे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ आपको याद करनी है। इसका मैंने डेरिवेशन इसके पहले के वीडियो में दे दिया था। तो ये याद करने के बाद अभी मुझे क्या पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वे पुट करना है। तो इसमें से क्या मिल जाएगा, मुझे पी ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ऑफ एक्स, तो के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और एक्स वेरिएबल कंसिडर किया तो मैं एक्स इज वेरिएबल ले लेता हूँ, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है सर, √2 है, तो यहाँ पे मैं √2 डालता हूँ, इंटू क्या डालता हूँ एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है, तो मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ 1/3। तो यही तो हो गया सर अपना पॉलीनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, थर्ड है। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज कितना गिवन है, जीरो गिवन है, सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है सर, अपना 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है सर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है सर, अपना अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू √5 गिवन है। तो मुझे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, k इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, k इज व्हाट, एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिख लो, k इज पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है अपना, पॉजिटिव इंटीजर है सर, ये क्या है अपना, पॉजिटिव इंटीजर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे, k लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो मैं यहाँ क्या देता हूँ, 0, इंटू क्या लिखता हूँ एक्स, प्लस
अल्फा इंटू बीटा कितना है रूट फाइव, अल्फा इंटू बीटा कितना है रूट फाइव, तो मैं यहाँ पे रूट फाइव दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाता है जीरो, इसको लिखने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखता हो रूट फाइव, दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो बाद में क्या लिखेंगे के इज व्हाट एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्या होता है एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ फिफ्थ और सिक्स देखते हैं, ये कौन सा है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन देखते हैं एक ही साथ। तो क्वेश्चन नंबर टू में फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सम कितना है वन है और प्रोडक्ट भी कितना है वन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे क्या लिखता हूँ सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना है सर वन है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है सर अल्फा इंटू बीटा भी कितना है वन है। तो मुझे क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो मैं क्या देता हूँ यहाँ पे के इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या करता हूँ मैं बीटा करता हूँ, इसका डेरिवेशन मैंने एक्स के वैल्यू वीडियो में दे दिया है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करता हूँ, तो k इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है वन है, तो मैं वन डाल देता हूँ, इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा की सॉरी अल्फा इंटू बीटा की कितनी है वन है, तो यहाँ पे मैं वन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन, तो यही क्या हो गया सर अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये क्या है k क्या है अपना एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होता है एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो सिमिलरली इधर भी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द जीरोज कितना है सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है माइनस वन बाय फोर, और सेकेंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सेकेंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है सर दैट इज अल्फा इंटू बीटा कितना है वन बाय फोर। तो सम कितना है माइनस वन बाय फोर, प्रोडक्ट कितना है वन बाय फोर। तभी मैं क्या करता हूँ रिक्वायर पॉलिनोमियल को फॉर जनरल फॉर्म क्या है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाय फोर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माइनस वन बाय फोर, इंटू क्या है एक्स से तो मैं एक्स लिख लेता हूँ, तो बाद में है प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है वन बाय फोर, तो यहाँ पे मैं वन बाय फोर डाल देता हूँ। तो अभी सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा सर एक्स सॉरी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा अभी वन बाय फोर इंटू एक्स प्लस वन बाय फोर। तो अभी देखो अपने को ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला के नहीं, तो एक्स स्क्वायर बाद में लीनियर वाली टर्म बाद में कॉन्स्टेंट वाली टर्म, तो ये के क्या है इसका ये के क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्या होता है सर ये के क्या होता है एनी पॉजिटिव इंटीजर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सिक्स भी क्या है अपना सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोज कितने हैं सर अपने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है सर फोर गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू कितना है सर वन है। तो अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो मैं इसको क्या करता हूँ के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस फोर है, तो मैं यहाँ पे फोर लिखता हूँ, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है वन है, तो मैं यहाँ पे वन डाल देता हूँ। तो ये पी ऑफ एक्स मिल गया क्या नहीं अपना, तो यही तो क्या है सर अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वेयर के इज इक्वल टू क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है सर, ये क्या होता है के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है।